नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल एग्रीमेंट इन टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, हमने बहुत सी सिचुएशंस के अंदर देखा है जब लोग यहां पर किसी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खरीद लेते हैं और उनकी यह सोच बन जाती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खरीदी गई है तो उससे वो उस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। क्या यह उनकी सोच सही है? क्या कल को अगर प्रॉपर्टी पर लेकर किसी का वाद विवाद होता है तो क्या कोर्ट में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्यता दी जाएगी? इसके अलावा सूरज लैंप इंडस्ट्रीज का जो मैटर आया था साल 2011 के अंदर, आखिरकार उसमें क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से की गई ट्रांजेक्शन को अवैध बताया गया था? साथ ही साथ यहां पर साल 2022 यानी कि इसी साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड क्लियर की, जहां पर कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड अलग से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जहां पर अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर वो चीज मेंशन नहीं होगी तो आपकी चाहे कितनी भी पुरानी प्रॉपर्टी हो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की कानून में कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी, केस टाइटल क्या था, सिटुएशन नंबर क्या था, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये सारी चीज हम वीडियो में आगे आप लोगों के साथ क्लियर करके देने वाले हैं। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल एग्रीमेंट के माध्यम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है तो कानून में इसकी कितनी वैधता है, कितना लीगल है ये चीज, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आप सभी लोगों के लिए रोजाना इसी चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। आज शाम ठीक 6:30 बजे में अन अकेडमी के चैनल पर लाइव आ रहा हूं, जहां पर हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड अनेकों लैंडमार्क जजमेंट, इसको बनाने का सही माध्यम क्या होता है, इसके अलावा सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी की कितनी वैधता है, किस कंडीशन में रजिस्टर्ड होगा, किस कंडीशन में रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये सारे टॉपिक आज आप लोगों के साथ वहां पर डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। शाम को ठीक 6:30 बजे लाइव मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। आपको क्या करना है, तुरंत डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अनअकैडमी लाइव दिखाई देगा, उसके सामने आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके ठीक शाम को 6:30 बजे मेरे साथ वहां पर लाइव ज्वाइन हो सकते हैं और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करके दे दिया जाए कि पावर ऑफ अटॉर्नी होते क्या है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर कभी किसी संपत्ति को लेकर यह जरूर सुना होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर यहां पर दी गई है। तो आखिरकार पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है? देखिए दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार का दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो एक अपना एजेंट अपॉइंट करता है। सरल भाषा में आपको बताऊं तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से एक प्रकार से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करता है, चुनता है कि पहले व्यक्ति के बिहाफ से दूसरा व्यक्ति सभी वो कार्य कर सके जो पहला व्यक्ति करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, मैं अपनी एक प्रॉपर्टी किसी को बेचना चाहता हूं किंतु समय ना होते हुए मैं वहां पर वो प्रोसेस नहीं करा पा रहा। ऐसी स्थिति में क्या करूंगा, मैं पावर ऑफ अटॉर्नी बनाऊंगा और उस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक एजेंट को अपॉइंट कर दूंगा। उस एजेंट को वो सभी अथॉरिटी दे दी जाएगी कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, किसी को आगे विल वसीयत कर सकता है, लीज लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत रेंट पर दे सकता है, जो जो मैं वहां पर उसको अथॉरिटी देना चाहता हूं मेंटेनेंस की, कंस्ट्रक्शन की, वो वहां पर उस अटॉर्नी के अंदर दे दी जाएगी। दोस्तों, अब इस अटॉर्नी के मिल जाने के बाद जिस व्यक्ति को वहां पर अथॉरिटी दी गई है यानी कि जो एजेंट है वो उस प्रॉपर्टी को सेल, गिफ्ट, विल वसीयत, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन सब करा सकता है जो उस पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर लिखा गया है। अब यही दस्तावेज होता है दोस्तों जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। ये केवल प्रॉपर्टी पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता, अगर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स है वहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, बैंक से रिलेटेड कोई कार्य है वहां पर भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, इससे अलावा कोई ऑफिशियल वर्क है वहां पर भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, प्रॉपर्टी का लेन देन है जो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं वहां पर भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी से इसी प्रकार के कार्य दोस्तों किए जाते हैं। अब दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब इसके बाद आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है? अगर एक पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर नहीं करवाया गया तो ऐसी कंडीशन में कानून की उसकी क्या मान्यता रहेगी, यानी कि क्या उसको लॉ के अंदर लीगल माना जाएगा? अब ये चीज मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। देखिए दोस्तों,
अगर आप हमारे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 पर नजर डालते हैं तो वहां पर वो सभी दस्तावेज दिए गए हैं जिनको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी होता है। अब ये प्रोविजन मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा के समझाने वाला हूं, वहां पर आपको क्लियर होगा कि क्या अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है या फिर नहीं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या क्लियर करता है, मेक अ डीड ऑफ कन्वीनियंस कंपलसरी रजिस्टरेबल इज एग्जिस्टेड बिलो। यानी कि अगर कोई ऐसी आप डीड बना रहे हैं जहां पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है उसको करवाना रजिस्टर्ड है, कंपलसरी रजिस्टर्ड उसको करवाना पड़ेगा। इसको कैसे क्लियर किया जाए, इसके अगर आप ए पॉइंट पर ध्यान दें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको उसे रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट आता है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब विल वसीयत इसके अंदर नहीं गिनी जाएगी, विच पर्पस और ऑपरेट टू क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट और एस्टेंगिस वेदर इन प्रेजेंट और फ्यूचर एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ 100 एंड अपवर्ड टू इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू 100 रुपए से अधिक है, अगर उसके राइट्स आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका टाइटल इंटरेस्ट किसी और के पक्ष में ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो रहा हो या फ्यूचर में, तो ऐसी कंडीशन में उस डीड को रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए सेल डीड को, गिफ्ट डीड को, रिलीज डीड को यहां पर रसवसियत हो, इसीलिए सेल डीड को, गिफ्ट डीड को, रिलीज डीड को यहां पर रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो जाता है। और आपने यहां पर एक पॉइंट और देखा होगा, अदर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी कि विल को इसके अंदर नहीं गिना जाता। विल अगर रजिस्टर्ड नहीं भी करवाई गई, उसमें केवल दो गवाहों यानी कि विटनेस के साइन है, तब भी उसकी कोर्ट में पूरी मान्यता मानी जाएगी दोस्तों। तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, तभी उसकी कोर्ट और कानून में मान्यता होगी दोस्तों। अब दोस्तों यहां से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चलो पावर ऑफ अटॉर्नी जो हमारे पास है वो भले रजिस्टर्ड ना है, बट एक सेल एग्रीमेंट हमने साथ ही साथ बनवाया था। अब सेल एग्रीमेंट तो कोर्ट मना नहीं कर पाएगा, सेल एग्रीमेंट के तहत तो हम मालिक बन ही रहे हैं ना। चलो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये चीज भी मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 54 ऑफ हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर अगर आप नजर डालते हैं, डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं, वहां पर क्लियरली लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि सेल एग्रीमेंट जो आप बना रहे हैं वो केवल एक एग्रीमेंट है सेल का, वहां पर कोई वो खुद से इंटरेस्ट टाइटल क्रिएट नहीं करता किसी के फेवर में। यानी कि सेल एग्रीमेंट अगर आपके नाम से बनाया गया है तो उससे आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाओगे दोस्तों, वो केवल टर्म्स और कंडीशंस है जिसके बिहाफ से आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए वहां पर एग्री किया गया है। तो सेल एग्रीमेंट से कोई भी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता। हाँ, सेल एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी का ओनर बाद में प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है, तो आप पार्ट परफॉर्मेंस का यूज करते हुए उसको बाउंड कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपको ही बेचे, वो एक अलग कंडीशन है। बट सेल एग्रीमेंट से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनोगे, ये चीज यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको क्लियर करके दे दी जाए, वहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया था। देखिएगा, जजमेंट का नाम है दोस्तों नारंदास करसोनदास वर्सेस एस ए कम्प्टन एंड अदर, साल 1977 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। यहां पर यही कहा था, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट और चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, केवल उसके आ जाने से अगर कोई पार्टी उसको ले लेती है एग्रीमेंट टू सेल को और ये समझती है कि हम प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, तो ये चीज यहां पर नहीं होगी। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ये रेलिवेंट जजमेंट मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दी है। अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो केवल सेल एग्रीमेंट की बात की, यहां पर तो पावर ऑफ अटॉर्नी कहीं नहीं लिखा था जजमेंट में कि इसको इनवैलिड माना जाएगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास की थी साल 2011 में। मैं आपको जजमेंट का नाम भी क्लियर कर देता हूं, सूरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहां पर यही चीज कही गई थी कि अगर कोई सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी या विल वसीयत के माध्यम से किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि ये तीन डॉक्यूमेंट्स बनाकर, तो उस सेल को इनवैलिड माना जाएगा। डिस्प्ले पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा है आफ्टर इंटरप्रेटिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ द लॉ, यानी कि जब लॉ के अनेकों प्रोविजंस पर नजर डाली गई तो यही पाया गया सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू सेल एग्रीमेंट, विल एंड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट वैलिड। यानी कि इन तीनों दस्तावेज के माध्यम से अगर किसी प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर किया भी जा रहा है तो कानून में उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आप लोग तो परेशान हो गए होंगे, क्योंकि आज भी अनेकों जगह ऐसा है
जहां पर केवल इन्हीं डॉक्यूमेंट के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें और क्लियर की थी, जैसे कि अगर ब्लड रिलेशन में पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर कोई जेनुअन ट्रांजैक्शन है, जेनुअन इन द सेंस वहां पर कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो रहा, किसी पार्टी को यहां पर कोर्ट में जाना नहीं पड़ रहा कि सर देखो हमसे तो धोखे से अटॉर्नी बनाकर प्रॉपर्टी बेच दी गई, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, जेनुअन ट्रांजैक्शन है, तब भी वहां पर अगर इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से सेल डीड एग्जीक्यूट की जा रही है तो भी उसको वैलिड माना जाएगा। ये चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर क्लियर की थी। साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं, राज्यों को यह भी निर्धारित किया गया था कि जो स्टैम्प ड्यूटी है सेल डीड के अंदर उसको कम किया जाए ताकि लोग इस तरह की प्रैक्टिस करने से बचे और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी को जाकर रजिस्टर्ड करवाएं। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि इस जजमेंट के अंदर क्या कहा गया था, सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से क्या प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए नहीं, या फिर क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाना है या नहीं, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब साल 2022 की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आया हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा की। अगर वो पॉइंट्स आपके सेल डीड में क्लियरली नहीं मेंशन है तो यकीन माने आपकी सेल डीड को अवैध भी ठहराया जा सकता है। अब मैं आपको केस टाइटल, सिटुएशन नंबर, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सारी चीज क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को केस टाइटल क्लियर कर दिया जाए। डिस्प्ले पर आप लोगों को केस टाइटल दिख रहा होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि ARC इंडिया लिमिटेड वर्सेस, यहां पर ये अपीलिएंट थे, वर्सेस SP वेलायुथम एनदर जो यहां पर रिस्पोंडेंट है, सिविल अपील नंबर 2752 2753 ऑफ 2022। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इस जजमेंट को यहां पर पास किया गया। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, क्या फाइंडिंग्स थी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर भी आप लोगों को अब दिखाई दे रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 व्हाइल रजिस्ट्रिंग अ सेल डीड एग्जीक्यूटेड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इज बाउंड टू वेरीफाई इफ द पावर ऑफ अटॉर्नी एम्पावर्स द एजेंट टू सेल द प्रॉपर्टी। यानी कि अब यहां पर कोई रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, जो यहां पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं, वो बाउंड होंगे कि वो वेरीफाई करे कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर ये चीज स्पेशली लिखी गई है कि वो व्यक्ति यानी कि जो एजेंट है वो इस प्रॉपर्टी को आगे किसी को बेच भी सकता है, क्या ये जो क्लोज है प्रॉपरली मेंशन है। क्योंकि कई बार क्या होता था दोस्तों, जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी उसमें सेल का प्रोविजन मेंशन नहीं होता था, उसमें लिखा जाता था कि मेरे बिहाफ से एक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी एक्ट कर सकता है, बट ये क्लोज प्रॉपरली मेंशन नहीं होता था कि वो इसको सेल भी कर सकता है। तो इस चीज से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिया कि एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज है वो बाउंड होंगे कि अब ये चीज चेक करें कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को, एजेंट को यहां पर यह अथॉरिटी दी गई है कि वो यहां पर इस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है या क्लोज प्रॉपरली मेंशन है, क्योंकि सेल डीड एग्जीक्यूट करना यहां पर कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। यह भी इसके अंदर क्लियर किया गया था कि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को प्रॉपर ध्यान और फोकस के साथ यहां पर सेल डीड एग्जीक्यूट की जाएगी, यहां पर सेल डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। ये चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी अपनी इस जजमेंट के अंदर। अब दोस्तों इस केस के फैक्ट्स क्या थे, प्रॉपर फाइंडिंग्स क्या थी, ये मैं किसी अपनी सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन क्या, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या होता है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कम से कम समय के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को तुरंत लाइक करते हुए अपना एक प्यारा सा कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जहां पर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किस कंडीशन में अटॉर्नी की वैल्यू है, किस कंडीशन में नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 की जजमेंट में क्या क्लियर किया था, उसके बावजूद किस कंडीशन में आज भी अटॉर्नी के माध्यम से प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा आज शाम में ठीक 6:30 बजे एन अकेडमी पर लाइव आ रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उस लिंक मिल जाएगा, वीडियो के लिंक पर जाकर आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप लोगों का आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें,